सो हे गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। और गाइज, हमें मिला है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में लैंप और एक सोलर पैनल, और अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो, और आज मैं इसे बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से यूज करना है, चार्ज करना है कैसे, और इसका कितना कैपेसिटी है वोल्टेज का, वगैरह वगैरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो ये रहा, और इसे खोल रहा हूँ मैं आपके सामने, आप देख सकती हो। और यहाँ पे कुछ पीली पीली चीज दिख रही है मुझे, और देखते हैं भाई, बहुत छोटा है यार, डब्बे के हिसाब से लग रहा था यार एकदम बहुत बड़ा वाला होगा, लेकिन नहीं, बहुत छोटा है। देखते हैं जलता है कि नहीं ये। तो फाइनली ये जल चुका है, मेरे को लगा खराब या फिर डैमेज वगैरह आ जाएगा, लेकिन ये जल रहा है, अच्छी बात है। और अभी मैंने अभी खोला है, इसको चार्ज भी नहीं किया है, और काफ़ी अच्छा लाइटनिंग है, आप देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो एकदम पूरा। तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ऐसा है कुछ, लाइटनिंग इसका बहुत अच्छा है, क्या मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है इसका बल्ब का, और देखिए पीछे पूरा रोशन कर दिया है। स्टडी टेबल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। और अभी और कुछ भी इसके बारे में हम जानते हैं। और गाइस, इसमें दो मोड हैं लाइट के, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला मोड, मैं पहला स्विच ऑन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैं पहला स्विच ऑन करता हूँ, तो पहले में थोड़ा कम है लाइट, आप देख सकते हो। आपको जितना चाहिए उतने हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जितना चाहिए आपको उतने हिसाब में मिल जाएगा। और ये रहा पहला वाला, और ये दूसरा, ये थोड़ा ज़्यादा है, और अभी तीसरा दबाने के बाद ये बंद हो जाएगा, देखना आप, इसे ऐसे यूज़ करना है। और गाइस, यहाँ पे है वारंटी शील्ड, तो गाइस ये है वारंटी कार्ड, अगर ये ख़राब हो जाता है इसे रिटर्न करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजबूत टाइप का है, मतलब फ्लेक्सिबल है, ऐसे करने पर ऐसे बैंड हो जा रहा है, ऐसे बैंड हो जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दिया है गवर्नमेंट ने। और इसका चार्जिंग पोर्ट भी है यहाँ पे, है बस ब्लैक कलर का। इसमें यूएसबी चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो बस ये सोलर पैनल से ही चार्ज होने वाला है, और अभी तक हमने सोलर पैनल देखा नहीं है, तो अभी हम देखते हैं क्या कैसा है अंदर इसमें। तो हे गाइस, तो अभी हमने देखा था ये लैंप, जो कि अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी भी अच्छे वर्क में है। और अब है बारी इस लैंप का, इस लैंप को हम अनबॉक्स करते हैं। तो यार, इसे काटने में जो मज़ा है ना, बस सच बता रहा हूँ। तो अभी इसे हम निकालते हैं, तो कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप का है अंदर, अब देखते हैं भाई क्या की। अच्छा, तो गाइस ये है वायर, जिससे ये टाई था, बना हुआ था ये वाला वायर, बहुत सारा वायर है इसमें, देखिए कितना ज़्यादा, कितना लंबा है। ओ भाई साहब, काफ़ी लंबा वायर है यार। और कुछ मैं इसके बारे में फैक्ट बता दूं आपको, कि ये जो है, ये इसका जो एवरेज वोल्टेज है 6.4 वोल्टेज का ये सोलर पैनल है, यानी कि इसका जो कैपेसिटी है बस 6 वोल्टेज तक का है। और ये है उसका MFG डेट है November 2021, यानी लॉकडाउन कोरोना काल के टाइम में ही बना हुआ था ये, इसका मैन्युफैक्चर हुआ था। और इसका वारंटी है 5 ईयर्स, आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर्स वारंटी है, और 2001 में इसका मैन्युफैक्चर हुआ था। तो यानी कि अगर 5 साल के अंदर ये ख़राब हो जाए, तो आप इसे रिटर्न करवा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइस, ये जो लाइट है, अभी हम इसको चेक करेंगे, आप देख सकते हो वायर कनेक्टेड है इन दोनों में, यहाँ पे जैक में लगा हुआ है। और गाइस, हमारे ऊपर है एक बल्ब, और कहते हैं ना, बल्ब से भी ये जो है यहाँ पे पावर सप्लाई करेगा। और अभी देखते हैं बल्ब में लगा के, तो यहाँ पे आप फोकस करना, यहाँ पे देखिए आप जल नहीं रहा है। और इस सोलर पैनल को मैं अभी बल्ब पे लगाऊंगा, तो ये बल्ब पे जब मैं लगा रहा हूँ इसे, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है, ये आप देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है। तो यार, सोलर पैनल भी अच्छा है, लाइट भी अच्छा है। और गाइस, इसमें यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ था, इस पेपर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसे 2 घंटे से ज़्यादा चार्ज ना करें धूप में। और इसका जो कैपेसिटी है, ये 5 आवर्स तक ये ग्लो करता है ये लाइट, अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज पे रखते हो, यानी कि सबसे तेज वोल्टेज पे, और कम भी रखते हो तो 8 आवर्स तक चल जाता है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसे आप रिटर्न कर सकते हो, पर ये सील जो है यहाँ पे
यहाँ पे वारंटी सील का नाम का यहाँ पे एक टायर है, आप इसे निकालना मत वरना ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो गाइज यही थे कुछ इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे दिया गया है गाइज, यहाँ वारंटी कार्ड पे दिया गया है सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल, बैटरी, एलईडी और ड्राइवर, यानी कि जो ये जो जैक है, ये जो जहाँ पे अंदर जा रहा है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिटर्न करवा सकते हो, बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो तो रिटर्न करवा सकते हो, एलईडी में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप रिटर्न करवा सकते हो। और सोलर पैनल का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका 5 साल का वारंटी है, अगर आप इसमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉस्ट आप रिटर्न करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वारंटी कार्ड। आपको बस आपको इसे सेफली जो डब्बा है उसी में रखना है। और गाइस आशा करता हूँ जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो यार कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो हमें ये पता लगता है कि आपको क्या कैसा क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपके पसंद और नापसंद के बारे में हमें पता चलता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग्स वगैरह में डालते रहता हूँ। तो बस सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।